अगर आप मेघालय से और अपने आधार कार्ड में नेम अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम अपडेट या नेम करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। आधार कार्ड में नेम अपडेट या नेम करेक्शन करवाने के लिए आपके पास सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम अपडेट या नेम करेक्शन कर सकें। फिर से आपके आधार कार्ड में नेम के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो, लाइक सरनेम में कुछ प्रॉब्लम हो, सरनेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक, मिडिल नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक, फर्स्ट नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक, या फुल नेम ही आप चेंज करवाना चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन की मदद से बहुत इजीली आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम अपडेट या नेम करेक्शन करवा सकते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि ये सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन क्या होता है। सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, और ये सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल पे पब्लिकेशन होता है आपका, जो आपका हर एक डिपार्टमेंट हर एक डॉक्यूमेंट के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, जिसकी मदद से आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम अपडेट या नेम करेक्शन करवा सकते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि ये सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए हमें सबसे पहले एक एफिडेविट बनवाना होता है जिसमें मेंशन होती है आपकी डिटेल्स, आपका सही नाम, आपका गलत नाम, आपका एड्रेस, दूसरा आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट का उस पर एड्रेस होता है उस एड्रेस के अकॉर्डिंग दो में आपका एड पब्लिकेशन होता है, वन लोकल एंड वन नेशनल, उसमें वो सेम डिटेल मेंशन की जाती है जो डिटेल्स एफिडेविट में होती है, वही सेम लेटर आपको न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करवानी होती है। तीसरा एक डिजिटल सिटी आपने रेडी करवानी होती है। थ्री स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी फाइल के साथ अपनी आईडीज को अटैच करना है। फ्रंट पेज पे दो पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर सिग्नेचर करके आप कंप्लीटली अपनी फाइल को रेडी करके गवर्नमेंट ऑफिस जाना है और फाइल को गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करवाना है। कुछ समय इंतजार करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से जैसे ही आपको गजट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन का नोटिफिकेशन मिलता है उसकी मदद से आधार सेंटर जाके आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम अपडेट करवा सकते हैं सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन को दिखाकर। और ये सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन वैलिड डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड में नेम अपडेट या नेम करेक्शन करवाने के लिए। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।